कैश्यू नट्स पकौड़ा बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं चावल का आटा 1 बाउल, बेसन 1/2 कप, पुदीना लीव्स 1 बाउल 1/2 बाउल, करी पत्ता लीव्स 1/2 बाउल, हरी मिर्ची 3-4 कटी हुई, काजू मैंने ऐसे चॉप करके रख दिया है 1/2 बाउल। इसके बाद मसाले जो जो इसमें आएंगे, जीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च पीसी हुई 1 टीस्पून, सेंधा नमक 1 अकॉर्डिंग टू टेस्ट, तिल्ली है, तिल बोलते हैं इसको, तिल्ली 1 टीस्पून, 2 स्पून रिफाइंड ऑयल। इसके बाद सादा जो आयोडीन सॉल्ट है वो भी टेस्ट के हिसाब से आएगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले मैं चावल का आटा लूंगी 1 बाउल, उसमें बेसन डाल देंगे, उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स एक एक करते डालते जाएंगे। इसमें थोड़ी सी हम हींग भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, और थोड़ा सा इनो सोडो डालेंगे जिससे कि हमारे पकोड़े थोड़े क्रिस्पी रहेंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे। 1/2 टीस्पून से भी कम इनो सोडा हमने यूज किया है। उसके बाद अब जो तेल, 2 टीस्पून तेल लेंगे। अब इसको अच्छी तरह से, सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा पानी भी अगर चाहिए तो अब हमें यूज करना पड़ेगा इसमें, ताकि एक थोड़ा सा डो जैसे बन जाए। ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा पानी चाहिए, पकोड़े निकालने जैसे हो जाए तो उतना बस हो जाता है। साइड में तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया मैंने। देखिए अब ऐसे मैंने ऐसे डो पानी करके ऐसे डो मिक्स कर लिया, बस इतना ही, ज्यादा पानी नहीं डालना इसमें। बस अब पकोड़े निकालेंगे, हमने तेल पहले गरम करके रख दिया है, ऐसे डालेंगे। इसे थोड़े 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 ऐसे बिखेर के डालेंगे। देखिए अब हम इसको अच्छी तरह से ऐसे फ्राई करेंगे। देखिए अब हम गोल्डन ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन आए कलर, तब तक ऐसे फ्राई करना है। ये खाने में बहुत टेस्टी रहते हैं, कैश्यू नट्स, पुदीना, सबका थोड़ा अच्छा खाने में टेस्ट आता है, करी पत्ता वगैरह के। अब ऐसे स्पाइसी कैश्यू नट्स क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। ये इसको गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं, या फिर स्टोर करके रखे, हफ्ते भर तक भी इसके टेस्ट का टेस्ट खराब नहीं होता और बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं खाने में। स्पाइसी कैश्यू नट पकौड़े खाने के लिए तैयार है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।